हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते ही हैं, हम इंडियंस का खाना बिना चटनी के कंप्लीट नहीं होता। तो आज इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ दो तरीके की चटनी बनाने की रेसिपी। ये कच्चे आम से बना के हम तैयार करेंगे, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और खाने के स्वाद को ये डबल कर देती हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने कच्चा आम लिया है, ये दो मैंने आम लिए थे मीडियम साइज़ के, इन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। कट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना आपकी मिक्सी में अच्छे से पीस सके। तो अब मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, ये जो आम मैंने काट रखे थे इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पुदीना। पुदीना मैंने दो बड़े चम्मच लिया है, इसे भी मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लिया है, आधा छोटा चम्मच। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच ही ब्लैक सॉल्ट, यानी काला नमक। नमक आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा बाद में। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन की दो कलियाँ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर यानी अदरक। अदरक मैंने एक इंच का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। उसके बाद ग्रीन चिली इसमें मैंने ऐड कर दी है दो, आप मिर्च अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसके बाद इसमें आधा चम्मच हम जीरा भी ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हल्का सा पानी डाल के, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम पानी डालेंगे, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे अच्छे से। तो चलिए हमने इसे पीस लिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका पुदीने की वजह से। और इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, कितनी अच्छे से पीसी है ये, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पे आप नमक टेस्ट करके उसको बैलेंस कर लीजिएगा। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रोटी के साथ, चावल के साथ, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है ये। जो चटपटी तीखी सी चटनी खाने के शौकीन हैं वो इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हमारी एक चटनी तो बन के तैयार है, चलते हैं दूसरी चटनी बनाने की तरफ। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, अब इसके अंदर मैं दो मीडियम साइज़ के ही आम डाल दूँगी कट करके। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है प्याज एक मीडियम साइज़ का, इसे भी कट कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करूँगी यानी काला नमक। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, ये मैंने दो ली हैं, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा ज़्यादा या कम। चलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें प्याज डाला हुआ है, प्याज में पानी होता है तो ये अच्छे से पिस जाएंगी। देखिए कितने अच्छे से पिस के तैयार हुई है ये चटनी, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसका कलर जो इस तरीके से आया है वो प्याज की वजह से आया है, और ये बहुत अच्छी लगती है, यकीन मानिए, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोनों तरह की चटनियाँ हमारी बनके रेडी हैं, इन गर्मियों आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।